वीडियो में मैं ना केवल सिर्फ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को क्योर करने की रेमेडी बताऊंगी बट आपके ओपन पोर्स एंड आपके पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने की रेमेडी बताने वाली हूँ। Welcome back to my YouTube channel, The Side Priya Singh. So as you all know कि मेरे चैनल पे चल रहा है टीनेजर सीरीज. So if you are a teenager and if you have problem related to skin, body, hair, then मैं यहाँ पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी उन सारी problems को cure करने के लिए with the help of natural DIY remedies. So guys, आज के video का topic भी बहुत ज़्यादा interesting and बहुत ज़्यादा exciting होने वाला है. So आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ how to remove your clogged pores, blackheads, whiteheads naturally at home. अब मैंने आपके साथ बहुत सारी videos इस topic से related share कर रखी है बट आज की वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा different होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो के लिए ना लिटरली आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड कुछ भी सामान लिटरली कुछ भी सामान आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, होता क्या है कि हमारे स्किन में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमारी स्किन ब्रीथ कर पाती है. तो जब वो छोटे छोटे पोर्स में बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल्स, गंक एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपके पोर्स में क्लॉग्ड हो जाते हैं, उसी को जो क्लॉग्ड पोर्स के बैक्टीरिया होते हैं उसी को हम लोग ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स कहते हैं. जब वो ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स आप टाइम टू टाइम नहीं रिमूव करोगे वही एक पिंपल का फॉर्म ले लेती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पिंपल्स होने लगते हैं एंड जब आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होंगे तो आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. तो आप समझ सकते हो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम अगर आपने नहीं सॉल्व की तो आपको ओपन पोर्स और पिंपल की प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो ये सारी प्रॉब्लम का कॉम्बो ये वीडियो है तो इसे एंड तक पक्का से देखना एंड डूज एंड डोंट्स को भी मिस बिल्कुल भी मत करना. सो गाइज, सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स मुझे चिन एरिया के अराउंड एंड नोज एरिया के अराउंड होते हैं. सो लेट्स रिमूव इट. तो सबसे पहले हम लोग क्लेंजिंग करेंगे. तो कोई भी रेमेडी फॉलो करने से पहले आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका फेस एकदम क्लीन हो. तो यहाँ पे मैं DIY फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट टीनेजर स्किन केयर रूटीन में शेयर किया था आप सबके साथ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो. फिर मैं उसके बाद अपने फेस को पानी से वॉश कर लूँगी एंड हैंड टॉवल की हेल्प से डैप कर लूँगी. स्टेप वन इज ऑयल क्लेंजिंग. तो ऑयल क्लेंजिंग के लिए आप लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर तो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर करना कि वो प्योर हो एंड आप उसे फेस पे यूज़ कर पाओ. तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल को इस बॉटल जार में ट्रांसफ़र कर लिया फॉर ईजी एप्लीकेशन. नाउ इस ऑयल को मैं ड्रॉपर की हेल्प से थोड़ा सा अमाउंट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स आपको थॉरली अपने पूरे फेस पे मसाज देना है एंड उस जगह ज़्यादा प्रेशर देके मसाज देना है जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है. नाउ बहुत सारे लोग कहेंगे वी हैव ऑयली स्किन, वी हैव सेंसिटिव स्किन, तो हम लोग फेस पे ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते. बट ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऑयली स्किन वाले अपने फेस पे ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते. ये टोटली एक मिथ है क्योंकि ऑयल आपके फेस को हेल्दी एंड सपल बनाने में बेनिफिशियल होता है. नाउ अब हम लोग मसाज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए. तो जब हम मसाज दोगे अपने फेस पे तो हमारा फेस एकदम गर्म हो जाएगा, दैट इज़ कि हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट होने लग जाएगी एंड प्रेशर देने की वजह से जो हमारे ब्लैक हेड्स होंगे एंड वाइट हेड्स होंगे वो धीरे धीरे करके पॉपअप हो जाएंगे. तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप 3 to 4 मिनट्स तक मसाज दोगे एंड आपकी स्किन से अपने आप ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे. स्टेप टू इज स्टीमिंग. तो यहाँ पे मैं एक स्टीमर की हेल्प से अपने फेस को स्टीम देने वाली हूँ प्रॉपर 1 मिनट के लिए. अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक कंटेनर में पानी गर्म करके भी स्टीम ले सकते हो बहुत ही ईजली. अब हम लोग स्टीमिंग क्यों दे रहे हैं, जैसे कि हमने ऑयल क्लेंजिंग की हेल्प से अपने पोर्स में से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को तो रिमूव कर दिया बट अब उस पोर्स में जो ऑयल एंड सीबम एक्यूमुलेट हो गया है उसे भी रिमूव करना ज़रूरी है. दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्टीमिंग ले रही हूँ. अब स्टीमिंग के बीच में ही आपको स्क्रबिंग करनी है. स्टीमिंग के बीच हम लोग इसलिए स्क्रबिंग कर रहे हैं सो दैट कि हमारे फेस पे जितना भी ऑयल है, हमारे पोर्स में जितना भी ऑयल है वो पूरा रिमूव हो जाए.
तो यहाँ पे स्क्रबिंग के लिए मैं चावल का आटा ले रही हूँ, राइस फ्लावर। तो आपको सिंपली चावल के आटे से पूरे ऑयल को रिमूव कर लेना है, क्योंकि चावल का आटा एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जो आपके ऑयल को एकदम थॉरली रिमूव कर देगा। एंड स्टीमिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये आपकी पोर्स को डीपली क्लेंस करता है, आपके पोर्स में जो सीबम होता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, उसे भी रिमूव करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल के आटे से अपने पूरे फेस पर स्क्रब करने वाली हूँ जेंटली। आपको सिंपली चावल का आटा लेना है, उसमें पानी मिक्स करना है एंड अपने पूरे फेस पे मसाज देना है। स्टीमिंग के बीच में ही अगर आप ये प्रोसेस करोगे ना, तो आप देख पाओगे कि आपको फेस वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी फेस पे हमने जो ऑयल क्लेंजिंग मेथड फॉलो किया था, वो एकदम क्लीन हो गया है। एंड हेयर्स माई क्लीन एंड हेल्दी फेस। तो यहाँ पे मैं डैबिंग मोशन में एक हैंड टॉवल की हेल्प से अपने फेस को एकदम डैब कर लूँगी। एंड आप लोग देख पाओगे कि मेरा नोज़ एरिया एंड चिन एरिया कितना ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी लग रहा है। स्टेप 3 इज फेस पैक। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बोल में 1 फुल टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है, पिंच ऑफ एलम का पाउडर लेना है, जिसे हम फिटकरी का पाउडर कहते हैं, इसे मिक्स कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ प्लेन वाटर। तो अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर नहीं है, तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, फिटकरी आपको कोई भी नॉर्मल शॉप में मिल जाएगी। नाउ इस फेस पैक को मैं थॉरली अपने पूरी स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो अपने पोर्स को डीपली क्लेंस करने के बाद अब हमारी बारी आती है अपने पोर्स को श्रिंक करने की, अपने पोर्स को टाइटन अप करने के लिए। दैट्स वाई मैंने ये फेस पैक यूज़ किया है। तो इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड किया था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है, आपके स्किन को भी इवन टोन करने में हेल्पफुल होता है। एंड इन दिस समर सीज़न ना, अगर आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करोगे, तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपके फेस में एक्ने, पिंपल्स, ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलम पाउडर भी ऐड किया था। तो एलम पाउडर आपके जो बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं ना, उसे श्रिंक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। ये आपके एक्ने, पिंपल्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि एलम में एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ इसे मैं 10 मिनट्स के लिए ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। एंड आप लोग देख पाओगे कि मेरा स्किन कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, एकदम अच्छी तरीके से डीपली क्लीन हो गया है। एंड जितने भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स थे, वो फर्स्ट यूज़ में बहुत हद तक रिमूव हो गए हैं। तो आपको इसे वीक में एटलीस्ट 1 बार पक्का फॉलो करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, तो आप लोग ये पूरा प्रोसेस वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं। एंड देन वी विल मॉइस्चराइज आर स्किन। तो मॉइस्चराइजिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई भी रेमेडी फॉलो करो, तो मॉइस्चराइजर तो पक्का लगाओ एंड में। तो यहाँ पे मैंने DIY मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में टीनेजर स्किन केयर रूटीन में शेयर किया। आप लोग पक्का से जाके उसे चेकआउट करना। सो दैट्स फॉर ऑल गाइस, होपली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड अमेजिंग लगा हो। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको एवरी वीक ये डीप क्लेंजिंग रूटीन फॉलो करना है, सो दैट कि आपके नोज पे, चिन एरिया पे या फिर आपके चीक्स एरिया पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम का बिल्डअप ना हो सके एंड आपकी स्किन एकदम टाइम टू टाइम क्लेंस हो सके। सो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो को लाइक कर देना एंड अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।